देखिएगा, यहाँ पर आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं संयोजकता के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ संयोजकता की डेफिनेशन क्या होती है, फिर कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे उनकी संयोजकता निकालने के लिए किसी परमाणु की कितनी संयोजकता होगी। सो देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि संयोजकता की डेफिनेशन क्या है। कह रहा है किसी परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या निकाले गए इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि आदान प्रदान किए गए दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या कह रहा है, कोई भी परमाणु होता है, कह रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु निकाल दे या ग्रहण कर ले, वही उसकी क्या होती है, संयोजकता, या दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान, क्योंकि दो परमाणुओं के बीच में जब बंध बनेगी तो कौन परमाणु कितने आदान प्रदान कर रहा है। सो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है, कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, जैसे कह रहा है NaCl में यहाँ बतानी है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होगी और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी। तो इससे पहले क्या है कि देखिएगा, जब सोडियम की संयोजकता या क्लोरीन संयोजकता निकालने के लिए इनके पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, हम बता दें, यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम की जो संयोजकता है वो यहाँ पर निकालने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 11 है। अच्छा, किसी भी परमाणु में जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 ही होगी। अच्छा, जब प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो इस सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखिएगा, मैं बता दूं, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या जो है, प्रोटॉन, यहाँ मैं हिंदी में लिख के दे रहा हूँ, प्रोटॉन, यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो हमारी बराबर होगी 11 के। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 11 होंगे। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी बराबर 11 होगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु अगर होता है तो परमाणु का जो विद्युत उदासीन गोलाकार कण होता है और दो भागों से मिलकर बनता है। पहला केंद्र का भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। सो देखिएगा, अगर हम सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो नाभिक में हम लोग जानते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर क्या होते हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो सोडियम में जो हमारे प्रोटॉन होंगे वो नाभिक में होंगे, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को, इसमें जो कक्षक हैं इनमें घूमते होते हैं, घूमते हैं। सो देखना, यहाँ पर ये बताना है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे ये कोष होते हैं, के कोष है, एल कोष है और एम कोष। सो इसमें ये देखना है कि पहली वाली कोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो मैं देखिए, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे कि 11 है तो इसमें पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। दूसरी कोष में कितने होंगे, 8, और इसके बाद 8 दो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, बचे कितने, 1। तो देखते हैं इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो संयोजकता क्या होती है, देखिए कोई भी परमाणु होता है तो उनकी संयोजकता निकालने के लिए उसको देखा जाता है उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन। तो उसके अगर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सभी परमाणु अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, मतलब अष्टक पूर्ण। तो उसके अगर बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका अष्टक पूर्ण माना जाता है। तो अगर उसके किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो 8 करना चाहता है, तो 8 करने के लिए हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकाले या ग्रहण करे। तो देखते हैं यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 8 करने के लिए क्या करेगा, 7 ग्रहण कर लेगा तभी 8 हो जाएँ, और 1 अगर निकाल देना किसी दूसरे परमाणु दे दे तो क्या हो जाएंगे, तब भी उसके बाहरी कोष में कितने रहेंगे, 8 हो जाएंगे, तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो कहने का मतलब है कि सोडियम की जो प्रवृत्ति है, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था तो पास में अष्टक पूर्ण किस में हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में हो रहा है या 7 ग्रहण करने में हो रहा। तो देखिएगा, दिख रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो पास में उसका अष्टक पूर्ण हो रहा है। तो सोडियम के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी तरह से ये देखिएगा, सोडियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ा है तो हम देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, हम लोग जानते हैं इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी, इसके पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तथा इसके बाहरी कोष में 8 दो 10 और 7 17 हो गए। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये भी अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब भी 8 हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब भी 8 हो जाएंगे। तो ये जो हमारा क्लोरीन है,
सो क्लोरीन जो है इसके बाहरी कोष में सात हैं, तो पास मास्टर किस में हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में हो रहा है, पास एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ग्रहण कर लेगा तो आठ हो जाएगा और इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्लोरीन जब सोडियम के साथ यहाँ जुड़ेगा तो सोडियम में बाहरी कोष में, देखो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन ही बंद बनाने में भाग लेते हैं, तो सोडियम के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सात हैं, दो तीन चार पाँच और छः सात। अच्छा ये देखिएगा सोडियम क्या करेगा, अपने आठ करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा अगर क्लोरीन के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे। तो देखिएगा यहाँ पर सोडियम के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्लोरीन के साथ जोड़ेगा तो क्लोरीन को एक दे देगा, क्योंकि क्लोरीन को एक की ज़रूरत भी है इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो हम कह सकते हैं कि सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, क्योंकि किसी परमाणु दर इलेक्ट्रॉन निकाले गए या किसी परमाणु दर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इसलिए सोडियम की संयोजकता क्या होगी, एक होगी। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, एक होगी। ठीक है, तो ये हैं कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, सो और भी देखते हैं इसको।